तो ये आ गया हमारा ग्लेजी हॉस्पिटल, रूबी पेनलेस डिलीवरी के इंतजार में। जिसको डिलीवरी होता है उसको सबसे बड़ा बेनिफिट गया है, खिदमत बात होता है। वो देखो ये पैर दबा रहे हैं। आपकी बेटी और बीवी दोनों बिल्कुल ठीक हैं। पिलाओ पिलाओ, हमारे यहाँ के बच्चे ऐसे पीते, अब तो हमारे यहाँ आ चुकी हो। और अब बेचारी को बेरहम तरीके से बीसीजी का इंजेक्शन दिया जा रहा है। Hey guys, welcome back to our new video. और ये वीडियो मेरा बहुत डिफरेंट है क्योंकि ये ट्रैवल व्लॉग बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आपको गाड़ी दिख रही होगी कि मैं कहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस बार ट्रैवलिंग करने नहीं जा रहा हूँ। एक छोटी सी एकदम शॉर्ट सी राइड है और ये राइड मुझे डायरेक्टली लेके जाने वाली है हॉस्पिटल। पता है ये हॉस्पिटल, कोई दुख में नहीं जा रहा हूँ, कोई टेंशन में नहीं जा रहा हूँ, खुशी में जा रहा हूँ, बिकॉज आपका भाई आज बाप बनने वाला है। So I'm again going to your father now, यार। And सलमान मुझे इस बार सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है कि अंकल आप ड्राइविंग का टेंशन बिल्कुल ही मत लो। तो ये आ गया हमारा ग्लेजी हॉस्पिटल, रूबी पेनलेस डिलीवरी के इंतजार में है और इसकी डिलीवरी पेनलेस से जा रही है अभी तक। जरा सा भी दर्द ना हो रहा है, अब चक्कर काट काट के दर्द का इंतजार कर रही है। हम लोगों ने ट्राई किया इस बार के पेनलेस डिलीवरी करवाने का, मतलब इस दवा के बारे में आप सोच लो तो आपको पहले से दर्द करता हो। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये एक्चुअली में पेनलेस डिलीवरी होता क्या है, तो अब ये वीडियो देखिए। मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराने, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट सिंस 20 इयर्स। और ये पेन सहने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा टूल है जो हम नॉर्मल डिलीवरी के दौरान यूज कर सकते हैं, वो है पेनलेस लेबर। तो इस विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर हर्षिता। एपिड्यूरल डिलीवरी, एपिड्यूरल एनल्जेसिया, ये सबसे इफेक्टिव पेनलेस डिलीवरी का उपाय है। इसकी मदद से पेशेंट का दर्द हम कम कर सकते हैं। इसमें यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो डिलीवरी की प्रक्रिया होती है, ये अपने आप शुरू रहती है, परंतु पीठ में से जो ब्रेन को सिग्नल, जो दर्द के ब्रेन को सिग्नल पहुंचते हैं, वह हम कम करते हैं, जिस कारण माता आनंद, डिलीवरी का आनंद ले सकती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती है। पेन्स होते हैं लेकिन समझते नहीं है जी। लेकिन ये पेनलेस आप बोल रही है कि रीढ़ के हड्डी में एक इंजेक्शन देना, तो इससे तकलीफ तो जरूर होगी, पेन तो दर्द होगा, यही सब पेशेंट्स का मानना रहता है कि मुझे दर्द हो जाएगा। जी हाँ, जो एपिड्यूरल का ये इंजेक्शन देते हैं, ये हम रीढ़ की हड्डी में ना देके दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो स्नायु होता है, जिसे हम एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं, इसमें देते हैं। इस एपिड्यूरल स्पेस में हम एक छोटा सा कैथेटर रखते हैं और जिससे हम निरंतर दवाई देके, जब से दवाई दी है तब से डिलीवरी तक पेशेंट का पेन कम करते हैं ये, और डिलीवरी होने के बाद ये कैथेटर निकाल देते हैं। तो जो आम तौर पे जो धारणाएं हैं लोगों की कि एपिड्यूरल लेने के बाद मुझे डिलीवरी के बाद पीठ में दर्द हुआ, ये सरासर झूठ है। क्योंकि एपिड्यूरल लेने वाली स्त्रियां और एपिड्यूरल बिना लिए हुई डिलीवरी वाली स्त्रियों में दोनों में पीठ का भी पीठ का समान दर्द है। लेकिन लोगों की धारणा रहती है कि हमें डिलीवरी में पेन्स ही नहीं हुए ही नहीं, तो हम पुश कैसे करेंगे? जो एपिड्यूरल कैथेटर हम पीठ में डालते हैं, उसमें से हम दवाइयों का प्रमाण नियंत्रित कर सकते हैं, जिसे हम नियंत्रित करके पेशेंट के दर्द के अनुसार ही उसकी दवाइयां दी जाती है, जिस कारण पेशेंट का सिर्फ गर्भाशय और नीचे वाला योनि भाग उतना ही सुन होता है, पेशेंट के पैर हाथ बाकी सब पूरी तरह चुस्त होते हैं। ये एकदम ही सेफ टाइप का पेनलेस डिलीवरी का टेक्निक है। और इस पेनलेस डिलीवरी, ये साइंस बहुत ही सालों से चल रहा है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना बच्चे पे ना माँ। हम लोगों को यहाँ पे मिल गया HDU, जिसमें एक बेड यहाँ, एक यहाँ, दो इधर है, तो सोने मिलने का भी टेंशन नहीं है अभी इतना, तो बस इंतजार कर रहे हैं। अभी जिसको डिलीवरी होता है उसको सबसे बड़ा बेनिफिट गया है, खिदमत बात होता है, खिदमत बहुत मिलता है, दवा दवा के अंडे मिलते हैं। रूबी किस्मत कितनी अच्छी है, वो देखो ये पैर दबा रहे हैं, एक तो भाभी यहाँ अंडा छिल रही है, दबा के खिदमत। एक ये वेटिंग लिस्ट में है, कि ये वेटिंग लिस्ट में, इंस्टा एकदम ऑन रखे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे गुड न्यूज आया बस इंस्टा में रील अपलोड हो जाएगा, बटन सिर्फ दबाना है, पेंडिंग है ना, टेक्स्ट ऑलरेडी टाइप हो चुका है, राइट। और ये है सलमान की अम्मा,
जो आई थी डिलीवरी में पेशेंट को असिस्ट करने के लिए, लेकिन असिस्ट तो कर नहीं रही है, लेकिन खर्राटे पे खर्राटे मार रही है। आपकी बेटी और बीवी दोनों बिल्कुल ठीक हैं। बधाई हो जी बेटी हुई है। अब तो उठ जा। उठेगी शना, हाँ थकी हो गया। गाइस मैं काफी एक्साइटेड हूँ, पहली बार मैंने मेरी बेटी को अपने हाथ में लिया है। एंड सच में बोलूँ यार, ये फीलिंग ऐसी फीलिंग है जैसे कि मुझे सब कुछ मिल गया है। बेटी सिर्फ घर की ही नहीं, कायनात की रानियां होती है। आपको इसलिए मैं नहीं दे रही थी, इसलिए मैं नहीं दे रही थी। क्यों लिया आपने? तो गाइस अब टाइम आ गया कि मेरी वाइफ अब ओटी से बाहर आएगी। आई होप सब कुछ बहुत अच्छा से होगा। सो चलो मिलते हैं मेरी वाइफ से। तुम ऐसे बिहेव मत करो जैसे सब कुछ नॉर्मल है। प्रेग्नेंट होना, एक बच्चे को कैरी करना, कौन सी इतनी बड़ी बात है? बस थोड़ी सी तो तकलीफ होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, नहाते हुए बाल झड़ जाते हैं, फेस पे बॉयल्स, बॉडी पे रैशेस, हजारों इंजेक्शंस, बस। कभी भी हंसते रोते हुए यूरिन निकल जाता है क्योंकि ब्लैडर बेबी के वेट के वजह से होल्ड नहीं कर पाता। फीवर, कोल्ड, कॉफ, कुछ भी हो जाए मेडिसिन नहीं ले सकते, नहीं तो बेबी पर असर पड़ेगा। अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि कुछ फिट नहीं, अपना फेवरेट खाना नहीं खा सकते क्योंकि अलाउड नहीं है। डिप्रेशन, मूड स्विंग, सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता है ताकि बाकी सबका मूड खराब ना हो। पूरी बॉडी, पूरी सिस्टम सैक्रिफाइस कर लेती है एक माह 9 महीनों में। और डिलीवरी के वक्त जो पेन होता है ना वरुण, वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि हमें मालूम जब पहली बार हम इस बच्चे को देखेंगे तो ऑल बी वर्थ इट। मेरी जारा की बहन, मेरी क्यूटी पाई, मेरी छोटी जारा। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। दूध आज भूख लगी थी ना? नहीं नहीं पियूंगी। अरे यही तो भूख लगी थी, सो गई। नहीं इस लाते हुए पिलाते, पिलाओ पिलाओ, हमारे यहाँ के बच्चे ऐसे पीते। तब तो हमारे यहाँ आ चुकी हो। अब आएगा नीचे ये दूध, दो बूंद पोलियो ड्रॉप क्या बोल रही ना, बहुत बोल रही तू। ये इतना दूध पिलाऊंगी उसको इतना। सो व्हाट्स द गुड नेम दैट यू हैव थॉट फॉर हर? टू नेम्स। व्हाट? वन इज सना एंड सेकंड इज जोया। तीन नाम ना निकल के आया अभी, जैसे एक इसने सना बोला, एक जोया बोला और एक जरीन। कौन सा नाम पसंद आ रहा है आपको? सोया अच्छा है, सोया। सना बहुत अच्छा है। तो
सारा से पूछते हैं सारा सारा सोया या सरीन जैसे अपना नाम कौन सा नाम अच्छा लग रहा है बताइए सारा आपकी बहन कहाँ है इधर है आप बहन के लिए क्या लेकर आए उसको पता है और गाइस अब ये देखो ये हमारे लिए थोड़ी सी स्पेशल फैसिलिटी मिल रही है सरफराज भाई की तरफ से इन्होंने हमें खाना दे दिया जब इनको मालूम पड़ा कि रूबी को भूख लगी है कुछ खाने को नहीं मिला है तो सरफराज भाई ने इनके लिए स्पेशली खाना भेज दिया है स्पेशल सर्विस हमें मिला है थैंक यू सो मच भाई और अब बेचारी को बेरहम तरीके से बीसीजी का इंजेक्शन दिया जा रहा है बनने का यही बेनिफिट होता है खिदमत पे खिदमत बटोर रही है हेलो हम लोगों को क्या मिल रहा है कुछ नहीं बेनिफिट तो तुमको मिला ना जी तुमको खाना खिलाए भाभी खिलाए पैर दबाई सिस्टर लोग आके दवा पिला रही है सब लोग इतना खिदमत कर रहे हैं गाइस ना हमारे साथ ना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई पिछले 4 घंटे से रुक रहे थे डॉक्टर के इंतजार के लिए क्योंकि ना रूबी के पेट में थोड़ा सा यहाँ पे काट हो गया तो उसके लिए रुके थे और जब डॉक्टर आए हाँ बोलो क्या हुआ पेट में यहाँ पे तक ये है और तो अच्छा है हम तो यही चाहते ही थे ये होना ही चाहिए था ये तो हम चाहते थे ठीक है मैं जाऊँ मतलब 4 घंटा वेट किया इस चीज के लिए वो तो अच्छा है अब ये भागने के लिए अच्छा बोला या जनरली अच्छा बोला है आप लोगों को पता होना चाहिए होता है ना डॉक्टर लोग अपना राज अपने पास चुरा के रखते हैं अगर सबको पता हो जाएगा तो कौन वेट करेगा अब उनकी एक विजिट एंट्री हो जाएगी उनको पैसे मिलेंगे यार और 31st की नाइट है जिन्हें में हम घर पहुंच जाएंगे तो 31st भी मनाना है और उसके साथ साथ में हमें सेलिब्रेशन करना है वेलकम द न्यू बेबी ये आई थी अपनी बहन को लेने के लिए और सो रही है यहाँ पे मेरी बहन फाइनली इस हॉस्पिटल से अलविदा करने टाइम आ गया लेकिन फैसिलिटी देखो यार एक बेड एक यहाँ दूसरा बेड यहाँ तीसरा बेड और वहाँ चौथा बेड आराम से रहने मिला ऐसे है ये HDO वार्ड लेकिन यहाँ पे सुपर डिलक्स सीमेंट डिलक्स सब है अवेलेबल नहीं था ये मिल गया किस्मत से बहुत अच्छा मिला क्योंकि हमारे पूरे खानदान के लिए बहुत सही हो गया देखा होगा आप लोगों ने यार कितने लोग आए एक्चुअली हम लोग पहले डिलीवरी का ट्राई किए थे लेकिन वो हुआ नहीं है तो ये ट्राई अब यहाँ पे होगा और सबसे बड़ी कमाल की बात मालूम है क्या है फर्स्ट टाइम इस हॉस्पिटल में होने वाला है और इन पे प्रैक्टिस होने वाली है देखते हैं कितना कामयाब अरे दवा को वापस डाला जा रहा है जो हमें मिला था घर ले जाने के लिए इसमें बहुत सारे सेंस है जो हम लोग छोड़ देंगे और ये मेडिकल में वापस जाएगा किसी दूसरे पेशेंट के लिए कैसा लगा मेरा मजाक देखो हम लोग कैसे फैले हुए थे इस बिस्तर पे भाभी लोग सोई थी वेटिंग में और इस पे मैं सोया था और उस पे मेरी वो भाभी जो खराटे ले रही थी बहुत कराटे ले रही थी आपको इस हॉस्पिटल का बहुत अच्छा टूर करवाया था तो अब टूर का इस वीडियो को इस लिंक पे देख सकते हो तो जरूर देखना आई सो मच लव फ्रॉम ग्लेजी हॉस्पिटल रियली हैप्पी एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमारा बहुत ख्याल रखा केक है यहाँ पे और इन लोगों ने अपने हिसाब से 2 नाम सेलेक्ट किया है और वो 2 नाम कौन सा है पता भी नहीं मुझे है ना दैट्स अ सीक्रेट देखो भाई बोले कि जो नाम का केक खुलेगा पहले वही नाम रखना पड़ेगा बच्चे इस गेम को फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए सबसे बड़ी बात साहिल नाम चूज किया है तब गड़बड़ी वाला होगा तो गाइस यहाँ पे एक गेम होने वाला है और ये गेम का नाम है गेम का नाम है राइट लेफ्ट इस राइट लेफ्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 केक रखा हुआ है और इस 2 केक पे 2 अलग अलग नाम है ठीक है हम सब लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कौन सा केक खुलना चाहिए जो केक खुलेगा वही नाम रखा जाएगा ठीक है तो अभी काउंटिंग करते हैं भैया से तो भैया आपके हिसाब से दोनों में से राइट या लेफ्ट कौन सा खुलना चाहिए ये राइट है ये लेफ्ट बोला ये खुलना चाहिए राइट वन हो गया राइट आपके कौन सा खुलना चाहिए राइट
राइट कट हो गया। आपको कौन सा खोलना है? राइट तीन हो गया राइट। आप फ्री? देख बाबू हम ये कर रहे हैं ठीक है। लेफ्ट 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 वन हो गया ठीक है। मैं लगाते हो दो लेफ्ट हो गया थ्री गलत पांच तीन पांच तीन छह तीन प्लस ऐसे में भी राइट सात चार ये वाला राइट ओके अफजल लेफ्ट लेफ्ट वन आठ पांच देखो सरप्राइज कौन सा होने वाला है। रेडी वन टू टू एक मिनट। सो गाइस फाइनली जो डिसीजन हुआ वेलकम ऑन यू बेबी। अभी आपको हम बेड पे डालते हैं। Every thought on my mind of you and I getting together.